हेलो, वेलकम टू डॉक्टर नाइट एरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है नो कॉन्टैक्ट। लेट्स सी, देखते हैं इस नो कॉन्टैक्ट में आपके पार्टनर मतलब क्या, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं इस नो कॉन्टैक्ट को लेकर। क्या आपसे कॉन्टैक्ट करना वापस वो चाहते हैं, इस नो कॉन्टैक्ट को एंड करना चाह रहे हैं। लेट्स सी, कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, जितने रेजोनेट करें उतना आप रखें, अदरवाइज बाकी की किसी और के लिए छोड़ दें। और रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वेट, ओके, चलो आपके पर्सन इस वक्त स्नो कांटेक्ट में क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर के माइंड में आपको लेकर, स्नो कांटेक्ट को लेकर क्या चल रहा है। आपकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, आपकी जिंदगी में ऑप्शंस हैं। आप चाहें तो किसी को चूज कर सकते हैं, आप चाहें तो अपनी लाइफ में आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है, आप इस पर स्टक हैं या आपकी चॉइस है। अदरवाइज आपकी लाइफ में ऑप्शंस क्रिएट हो रहे हैं, आपकी लाइफ में लोग आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं या आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं लोग। ठीक है, ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सन है, पैशनेटिव पर्सन है और गुड लुकिंग पर्सन है। मेल है या फीमेल है, बहुत ज़्यादा एक मतलब के एक चार्मिंग पर्सनालिटी। ठीक है, एक चार्म है पर्सनालिटी का। ये मेल है या फीमेल है, लेकिन इस पर्सन के अंदर एक चार्म है पर्सनालिटी का, जिसकी वजह से आप काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं और भी लोग अट्रैक्ट होते हैं। आपकी भी अट्रैक्शन इस वजह से भी है इस पर्सन की तरफ काफ़ी। हीलिंग स्टार, आपके पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, हील हो रहे हैं, कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं आपके पार्टनर को इस कनेक्शन से क्या चाहिए, आपसे क्या चाहिए। ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में स्टक हुआ हुआ है, हैंग हुआ हुआ है, एक हीलिंग वाली एनर्जी। ये पर्सन सबसे पहले तो अपनी लाइफ को हील करना चाह रहा है। ठीक है, अपने आप को पहले समझना चाह रहा है। कुछ सवाल है ये पर्सन जो अपने आप से कर रहा है। ठीक है, कुछ मी टाइम और एक स्पेस इस पर्सन को चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए अपने आप के लिए, क्योंकि ये पर्सन अपने ही माइंड में कहीं स्टक है या ये मतलब कि कॉन्टेम्पलेट नहीं कर पाया अब तक ये आपसे चाहता क्या है, ये कितना सीरियस हो सकता है आपके साथ या कितना आपके साथ इन डेप्थ कनेक्शन फील करता है। ठीक है, इस चीज़ को, इस पर्सन को समझने का टाइम चाहिए और एक हीलिंग का टाइम है। डिफेंसिव हुआ हुआ है इस वक्त, सेवन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। अगर आप कॉन्टैक्ट भी करेंगे, अगर आप बात भी करेंगे, एक डिनाई करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस पर्सन को हीलिंग की नीड है, इस पर्सन को अंडरस्टैंड करने की नीड है, ये आपसे क्या चाहता है, अपनी लव लाइफ से क्या चाहता है, किस तरीके का इंसान या किस तरीके की सिचुएशन चाहता है। कॉन्टम्पलेट कर रहा है, अपनी लाइफ में भी स्टक है। डिफेंसिव हुआ हुआ है लेकिन स्टक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करा हुआ है लेकिन ये स्टक है, कहीं मूव ऑन नहीं कर रहा, कोई और इसकी लाइफ में नजर नहीं आ रहा, किसी और के साथ एंजॉय नहीं कर रहा। ये अपने ही सेल्फ में है, अपने ही साथ कनेक्टेड है, अपने आप की अंदर मतलब कि हीलिंग चल रही है। ये जानता है आप काफ़ी इमोशनल हैं इस पर्सन के लिए। ठीक है, आप इमोशनली आप इस पर्सन से आप एक कनेक्शन फील करते हैं, आप इस पर्सन के लिए काफ़ी इमोशंस रखते हैं और इमोशनली आप बहुत जैसे हर्ट हो चुके हैं इस पर्सन की वजह से, इस पर्सन के इस बिहेवियर की वजह से। ठीक है, एक कोल्ड एनर्जी है पर्सन, अभी आपको एक कोल्ड डिटैच एनर्जी में देख रहा है। ठीक है, काफ़ी एक आप अपने इमोशंस इस वक्त शो नहीं कर रहे। ठीक है, या तो बात नहीं कर रहे या तो शो नहीं करना चाह रहे, अपने इमोशंस को आपने होल्ड कर लिया है, क्लोज कर लिया है, क्लोज ऑफ हुए हैं इस वक्त, क्योंकि ये पर्सन शायद बहुत टाइम से एनर्जी में, से स्टकनेस में है। ठीक है, इस वक्त आप इमोशनली डिटैच हैं और अपनी 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 लाइफ में किसी तरीके की अपने साथ न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, एक अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ में अपने पैशन पे काम कर रहे हैं, अपने विशेष पे फोकस हैं। क्या आपकी विश फुलफिलमेंट है, आप क्या चाहते हैं, आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है, आप इस चीज़ पे फोकस हैं। आपने इस पर्सन की तरफ से एक होल्ड बैक करा हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन एक स्टक है, एक स्टकनेस पे चल रहा है ये, एक मतलब कि इस पर्सन को अभी तक क्लोजर मिल नहीं पाया, ये आपसे क्या चाहता है इसको समझ नहीं आ पाया, ये आपके साथ क्या मैनिफेस्ट कर सकता है, ये क्या एक्सपेक्ट करता है आपसे। ठीक है, अपनी लाइफ में कुछ टाइम, दिन का ऐसा होता है, आप एक
उस अवेकनिंग को भी अंडरस्टैंड करते हैं, कुछ अवेकनिंग मिली है, या कोई सोते हुए काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है आपकी लाइफ में इमोशनली बैलेंस नहीं है, इमोशनली पीस नहीं है, जब आप सोने जाते हैं वो एक स्लीपलेस नाइट, डिस्टर्ब नींद होती है, या तो सोचे आपकी बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर एक स्ट्रेस में रहती हैं, क्योंकि एक अवेकनिंग है आपकी, आपको कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड हो रहा है कि इस सिचुएशन में शायद टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, ये कनेक्शन आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, या ये सिचुएशन आपको डिस्टर्ब करने के अलावा अब तक कुछ नहीं दे पाई, ठीक है, एक अवेकनिंग स्टेज है, आप यहाँ पर जाग भी रहे हैं, जो आप शायद आप एक टाइम एक था एक रिजिड हुए हुए थे, आप रिश्ते इस रिश्ते में इन्वेस्ट करना चाहते थे, कोल्ड हुए में थोड़ा सा ब्लंट थे, थोड़ा सा चिड़चिड़ा आपकी एनर्जी है, आपकी एनर्जी में एक पीस नहीं है, ठीक है, कन्फ्यूज़ हैं आप अपनी लव लाइफ को लेकर, कोल्ड हुए हुए हैं, ठीक है, एक एंडिंग बैक स्टेपिंग आपको ऐसा लगता है, आपने जहाँ भी रिश्ता बनाया आपको समझा नहीं गया, आपको अंडरस्टैंड नहीं किया गया, ठीक है, खुद को ब्लॉक फील करते हैं, आपको ऐसा लगता है आपका डिसीजन इमोशनल रिलेशनशिप के लिए या लव लाइफ के लिए कभी भी सही नहीं रहा, आपने हमेशा खुद को स्टक करा है, कहीं कहीं ना कहीं खुद को ब्लॉक करा है, ऐसे इंसान को आप हमेशा चूज करते आए जिसकी वजह से आपने खुद को चोट पहुंचाई है, खुद को डैमेज किया है आपने, ठीक है, यहाँ पे एक स्ट्रेंथ की एनर्जी आपने लाइफ में स्लोली बट श्योरली अपनी जिंदगी में मूवमेंट की तरफ है, आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, आप द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप यहाँ पर डेस्टिनी, एक डेस्टिनी को चाहते हैं कि डेस्टिनी आपके फेवर में इस वक्त वर्क करे, ठीक है, आप चाहते हैं अपनी लाइफ में अपने ऊपर काम करना, किसी डिटैचमेंट से गुजर रहे हैं आप किसी तरीके की, आपके पर्सन को आपकी वर्थ वैल्यू का अंदाज़ा है, ठीक है, ये पर्सन आपकी वैल्यू को भी समझता है, आपकी वर्थ को भी समझता है, ये आपके लव को भी अंडरस्टैंड करता है, ठीक है, चाहे कितना ही ये पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन आपकी वैल्यू और आपकी वर्थ का अंदाज़ा है इस पर्सन को, दी एम्परर, ये पर्सन बहुत स्टबर्न नेचर में इस वक्त स्टबर्न हुआ हुआ, ये पर्सन समझने को सुनने को आपको तैयार नहीं है, अपने अपने एक एग्रेसिव नेचर में बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा स्टक है, कहीं मेंटली ब्लॉक हुआ हुआ है, कहीं मेंटली कोई एक कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है इस पर्सन की लाइफ में, मेंटली कोई ब्लॉकेज है, मैरिज को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर, अपनी लाइफ में फर्दर एक्शन या फर्दर फ्यूचर को लेकर समझ नहीं पा रहा ये पर्सन क्या करे, कोई आपके पार्टनर को स्टेबिलिटी को लेकर डिसीजन करना है, कोल्ड हुआ हुआ है, स्टक है, कोल्ड है, स्टक है, कोल्ड है, स्टबर्न हुआ हुआ है, ठीक है, अपनी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है ये पर्सन, किंग ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी है आपके पार्टनर में, बहुत ज़्यादा एक मैस्कुलाइन एनर्जी है, ठीक है, मतलब कि ये पर्सन अपने ही तरीके से चीज़ों को सॉल्व करना चाहता है, अपने तरीके से लेकर चलना चाहता है, इमोशनली डिटैच है, आप भी डिटैच हुए हैं, ये पर्सन भी डिटैच है, इमोशनली अटैचमेंट आप लोगों की नज़र नहीं आ रही इस वक्त, आप लोग यहाँ पर इमोशनली कनेक्टेड नज़र नहीं आ रहे, ना आप ना आपके पार्टनर, आप तो बहुत ज़्यादा डाउट्स में हैं इन इमोशंस को लेकर, इस लव को लेकर, आपके पास कुछ खास क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हैं, आपको कुछ खास क्लैरिटी नहीं है, आपको नहीं पता इस रिश्ते में क्या हो सकता है क्या नहीं, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो चुके हैं आप, ठीक है, एक कोल्ड एनर्जी में खुद को स्टेबल कर रहे हैं, खुद को बैलेंस कर रहे हैं, आपके पार्टनर अपनी लाइफ को स्टेबल और बैलेंस करना चाह रहे हैं एक अपने साथ ही, और मतलब कि बैलेंस करके कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, आप भी खुद को बैलेंस कर रहे हैं, आपके पास कोई ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, या इस पर्सन के इमोशंस को लेकर, अपने आप को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है, क्लैरिफाई, नाइन ऑफ कप्स, आप अपनी लाइफ में अपने विशेस के लिए एक्शंस ले रहे हैं, ठीक है, इस वक्त आपका फोकस अपने सेल्फ पर है, आपके पार्टनर का भी फोकस अपने सेल्फ पर है, और आपके पर्सन स्टक है अपनी लाइफ में, कहीं मूव ऑन नहीं कर पा रहे, स्लो कॉन्टैक्ट में हीलिंग चल रही है आपके पार्टनर की, थोड़े से डिफेंसिव हैं, ठीक है,
डिनायल पे गए हुए हैं, इस वक्त एक्सेप्ट करना नहीं चाहेंगे कोई भी सिचुएशन आपके साथ किसी भी तरीके की, मतलब कि इस वक्त किस माइंड सेट पे नहीं है, पर्सन बहुत जिद में आया हुआ, स्टबन हुआ हुआ, ठीक है। आप सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं सिचुएशन का, इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में आप भी मेंटली बिल्कुल एक, आप भी जान पा रहे हैं मेंटली कॉन्फ्लिक्ट है, आप किसी तरीके की क्लैरिटी लाना चाहते हैं, पर्सन अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या चाह रहा है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाला है, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं अपनी लाइफ के लिए, ठीक है। इसलिए आप इस पर्सन की लाइफ का जैसे जानना चाहते हैं, इस पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कोई डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, किसी तरीके का एक्शन लेना चाह रहे हैं, मतलब कि आप एक जजमेंट के पॉइंट पर हैं, एक अपनी ज़िंदगी में कोई नेक्स्ट स्टेप, एक न्यू कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में, या तो सिचुएशन से निकलना चाह रहे हैं या इस कनेक्शन के लिए डिसीजन लेना चाह रहे हैं, ये पर्सन आए तो आप ये सब कुछ करें, ठीक है। हाँ, आप सोचते हैं कि इस पर्सन को कोई मैसेज या टेक्स्ट कर दें, ठीक है, या तो आप सोचते हैं ये पर्सन आपको कर दे, ठीक है, वाइस वर्सा हो सकता है, आप वेट कर रहे हैं या तो आप कोई मैसेज करना चाहते हैं इस पर्सन को, ठीक है, आपके माइंडसेट में ही चल रहा है ये इस वक्त पर्सन, ये पर्सन बहुत स्टबर्न और कंट्रोलिंग हुआ हुआ है, बहुत स्टबर्न एनर्जी में है, आप सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं, बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप वेट कर करके थक चुके हैं, सोच सोच कर परेशान हो चुके हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है आपको नहीं समझ में आ रहा, ये पर्सन जैसे कि हिल नहीं रहा, ठीक है, इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा कि ये पर्सन एक अपने ईगो को छोड़ना पड़ेगा, ईगो सेल्फ को छोड़ना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, यहाँ पे एक्शन की बहुत नीड है आपके पार्टनर की तरफ से, किसी मूवमेंट की नीड है, किसी तरीके के एक्ट की नीड है, किसी तरीके के एक जेस्चर की नीड है, खाली यहाँ पर ये पर्सन जानता है ये रिश्ता पोटेंशियल वाला है, एक पोटेंशियल रखता है लॉन्ग टर्म का ये कनेक्शन, लेकिन आपके पर्सन जैसे कि कोई डिसीजन लेने का टाइम है, जैसे सब कुछ हो चुका है आप लोग के बीच, आप लोग का पास्ट रह चुका है, आप लोगों ने बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, एक इनडिसाइजिव एनर्जी से निकल कर एक डिसीजन लेने का टाइम है, ठीक है। ये पर्सन बहुत मतलब कि मुझे इस स्टेट में लग रहा है, मेंटली स्टेट में जो भी लेगा बहुत सॉलिड डिसीजन लेगा, या तो आपको ये मैरिज कमिटमेंट दे देगा, या तो इस सिचुएशन से कम्प्लीटली बाहर चला जाएगा, ठीक है, या तो ये कहीं और ही डिसीजन ले लेगा, कुछ ऐसी स्टेट चल रही है आपके पर्सन के माइंड की, ठीक है। जैसे आपके ये टाइम है वो आपके पर्सन के लिए कुछ डिसाइड करने का, कुछ अपनी लाइफ में फर्दर फ्यूचर और स्टेबिलिटी के लिए कुछ डिसीजन मेकिंग करने का टाइम है। मेरी व्यूअर के पर्सन इस नो कॉन्टेक्ट में इस कनेक्शन को लेकर क्या सोच रहे हैं, यहाँ पे कोई कंट्रोलिंग फिगर है, आपके पर्सन को कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है, फोर ऑफ हैंड, मैंने कहा है तो मैरिज आपसे कर लेगा या किसी और से कर लेगा, इस पर्सन के माइंड में अल्टीमेटली एक स्टेबिलिटी चल रही है, मैरिज चल रही है, पर्सन एक हार्मनी हार्मनी बनाना चाहता है, अपनी विश फुलफिलमेंट करना चाहता है, ये अपनी अपनी मैरिज और अपनी स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है, ठीक है। ये पर्सन क्या कर सकता है, ओके वेट, बैलेंस, ये पर्सन अपनी लाइफ में अभी इस वक्त बैलेंस बना रहा है, ठीक है, कॉन्टम्प्लेट कर रहा है, हीलिंग वाली एनर्जी, खुद को हील करना चाहता है, सफरिंग इन साइलेंस, काफ़ी सफर कर रहा है साइलेंस में, ये पर्सन इस वक्त साइलेंस रख कर अपनी लाइफ में बैलेंस करना चाह रहा है, पेशेंस, इसके अंदर सब्र बहुत है, ठीक है, ये एक पेशेंस वाली एनर्जी है, पेशेंस की वजह से हो रहा है डिस्टर्बशन, जो ये पर्सन डिस्टर्ब रहा है, ये पर्सन जो टूट फूट का शिकार हुआ है, जो भी आप लोग के बीच हुआ था, ये मतलब कि अपने आप को हील करना चाहता है, फिर एक सक्सेसफुल एनर्जी पे आना चाहता है, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी बिगिन, आप लोग के बीच कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है, आप लोग के बीच होगा या तो आपकी लाइफ में कोई किसी और के साथ होगा या इस पर्सन, क्योंकि इस पर्सन के माइंडसेट पे देखिए बहुत सारे लोग हैं जो इस पर्सन के साथ ही कोई न्यू बिगनिंग करेंगे, ठीक है, और बहुत सारे लोगों की एक रॉन्ग होप देना बेकार है, ठीक है, या तो ये पर्सन आपकी आपकी तरफ कोई स्टेबल और बैलेंस ऑफर करेगा, ठीक है, या तो ये किसी और की तरफ करेगा, या तो आपकी इस पर्सन के साथ होगी या किसी और के साथ, तो ये बात तो आप भी जानते हैं, एक डाउटफुल वाली एनर्जी है ये, इस वक्त हीलिंग वाली एनर्जी पे है, बैलेंस कर रहा है ये पर्सन, एक मैरिज वाली एज में तो बिल्कुल एक मैरिज को लेकर सीरियस हुआ, बस को मैरिज और कमिटमेंट करनी है, लेकिन बहुत यहाँ पे भी देखें एक अथॉरिटिव फिगर बहुत ज्यादा स्टबर्न है, मतलब कि एक स्टबन पर्सन की जैसे बहुत कंट्रोलिंग इंसान है, अपने आप को कंट्रोल करना बहुत अच्छे से जानता है, सामने वाले को कंट्रोल करना बहुत अच्छे से जानता है, इसका हार्ट चक्रा ब्लॉक था, आपके लिए हील हो रहा है, सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं, एक हार्ट चक्रा ब्लॉक था, इमोशनल विदड्रॉवल पे था ये पर्सन, इमोशनली कुछ अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था, एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, इस पर्सन को एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दी जा रही है,
इस पर्सन का थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, ठीक है। अगर ये कहीं ब्लॉकेजेस में स्टक था तो मूव ऑन कर रहा है, मूवमेंट चॉइसेस एंड डिसीजन। इस पर्सन के पास जैसे बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, आपके अलावा भी और चॉइसेस हो सकती हैं, लेकिन इस पर्सन को उन चॉइसेस में से डिसाइड करना है, ठीक है। लेकिन इस पर्सन का हार्ट चक्रा जैसे क्लोज ऑफ था, अब वो बिल्कुल ही हील हो रहा है, कम्प्लीटली हीलिंग इस पर्सन के उस हार्ट चक्रा की हो रही है। यहाँ पे यूनिवर्स बहुत स्ट्रांग वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आपके पेशेंस, यहाँ पे सब्र की ज़रूरत है, यहाँ पे पेशेंस की ज़रूरत है, यहाँ पे प्रेयर की ज़रूरत है इस रिश्ते में। लेकिन जो कुछ हो रहा है बैकग्राउंड में हो रहा है, जिस आप पर्सन से डील कर रहे हैं, एक कंट्रोलिंग फिगर है ये पर्सन, अपनी मर्जी के अलावा किसी की भी नहीं सुनता। इवन के मतलब के मतलब इस पर्सन के ऊपर भी एक कंट्रोलिंग फिगर हो सकता है, कोई फादर फिगर, कोई बड़ा एल्डर, मतलब के कोई एल्डर पर्सन हो सकता है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर है, यूनिवर्स यहाँ पे एडवाइस है, यूनिवर्स कह रहे हैं गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें, द वेटिंग गेम, विजडम से काम लें और अपने आप को हील रखें, बैलेंस रखें, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो जैसे टिकटॉक टिकटॉक आपकी, जैसे कुछ डिसीजन आने वाला है आपके सामने, आप जिस डिसीजन का वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से, बहुत अरसे से, किसी तरीके के डिसीजन का, किसी तरीके के सॉल्यूशन का वेट कर रहे हैं, वो चीज़ होने वाली है, ठीक है। स्नो कॉन्टेक्ट में अगर ये पर्सन आपको कुछ कहना चाहे तो अभी क्या कहना चाहेगा, वेट भाई। कर्मा का कुछ ना कुछ कर्मा बैलेंसिंग चल रही है, कुछ कार्मिक यहाँ पे, ये मैस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा कार्मिक कार्मिक पैटर्न से गुजरी है। जिस पर्सन से आप डील कर रही हैं, पर्सन किसी कार्मिक के साथ डील कर रहा था, ठीक है, ये किसी और के साथ कनेक्टेड था, या इस पर्सन की लाइफ में कार्मिक इश्यूज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली थे, ठीक है। ये आपका क्रश रहा है, कभी भी आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में नहीं आए, ठीक है। यहाँ पे क्रश वाली एनर्जी है, क्या आप इस पर्सन को क्रश करते आए हमेशा, ठीक है, क्रश वाली एनर्जी रही है। आपका क्रश रहा है, आप लोग शायद कभी रिलेशनशिप में नहीं आए, ठीक है, इट्स टाइम टू सेपरेट इट। ये पर्सन एक स्पेस सेपरेशन में जाने वाला, बहुत ज़्यादा अथॉरिटिव पर्सन है, बहुत ज़्यादा अपनी अपनी तरीके से चीज़ों को चलाने वाला, अपनी मर्जी से चीज़ों को रखने वाला, मतलब कि ये आपकी नहीं सुनता। जब ये पर्सन अपनी पे करने पर आता है तो आप इसको कुछ नहीं कह सकते, या तो ये आपके साथ रहे या मतलब इसकी मर्जी पर डिपेंड करता है, आप इमोशनली इसको ब्लैकमेल भी नहीं कर सकते, कुछ इस टाइप की अथॉरिटिव एनर्जी है, ठीक है। आप लोग स्टार्टिंग में एक बेस्ट फ्रेंड वाली एनर्जी में रहे हैं, ठीक है, आप लोग बेस्ट फ्रेंड बने, लेकिन कभी रिलेशनशिप में नहीं है, मुझे नहीं लग रहा। बिगेस्ट विश, कोई आपकी बिगेस्ट विश है इस पर्सन से रिलेटेड, ठीक है, वो आपकी कम ट्रू हो सकती है, पूरी हो सकती है, कोई बिगेस्ट विश रही है आपकी इस कनेक्शन से रिलेटेड, इस पर्सन से रिलेटेड। ओके, यहाँ पे है यू हैव नो ईच अदर बिफोर, आप लोग को ऐसा लगता है आप दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। हैप्पीनेस, कोई हैप्पीनेस आप लोग के रिलेशनशिप में अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, आपको लगता नहीं है लेकिन हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आप उम्मीद हार चुके हैं इस रिश्ते में, आपने जैसे उम्मीद छोड़ दी है कि कुछ अच्छा होगा, आपको नहीं लगता, ठीक है। सॉफ्ट हार्टेड, आप काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड रहे हैं, आपने इस पर्सन के लिए बहुत किया है, और एक स्पिरिचुअली यहाँ पर आपको एक पेशेंस की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपने आप को एक पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपने बहुत एक्शन लिए हैं इस रिश्ते को बनाने के लिए, ठीक है। मैरिज, यहाँ पे आप मैरिज करना चाहते हैं इस पर्सन से, ठीक है। यहाँ पे है यू हैव टू वेट, ये पर्सन चाहता है आप और वेट करें। ड्रीमिंग अबाउट यू, पर्सन आपके लिए ड्रीम देख रहा है लेकिन ये आपको कह रहा है यू हैव टू वेट, आपको वेट करना पड़ेगा। अगर इस पर्सन से कोई मैरिज कमिटमेंट स्टेबिलिटी चाहिए तो प्लीज़ आप वेट करें, इस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा वेट और करना पड़ेगा, ठीक है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा ड्रीम देखता है, ड्रीमिंग अबाउट यू, पर्सन आपको लेकर ड्रीम देखना, आपके बारे में सोचना, आपको एक समझना, वो वाली एनर्जी में रहता है, ठीक है। सेपरेशन चल रहा हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, आप ब्रेकअप हो गया हो सकता है, फिर भी आपको कोई उम्मीद है, फिर भी आपको कोई वो है। ये पर्सन बहुत एक मैस्कुलाइन एनर्जी है, ये पर्सन आप एक बिल्कुल प्योर फेमिनाइन एनर्जी रहे हैं और ये पर्सन प्योर एक मैस्कुलाइन एनर्जी रहा है, ठीक है। यहाँ पर है मैंने सब डेस्टिनी पे छोड़ दिया है, अब क्या होगा मुझे नहीं पता, ठीक है। इस पर्सन ने डेस्टिनी पे छोड़ दिया, अगर पर्सन ये रिजिड था, आप लोगों के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन इस पर्सन ने अब डेस्टिनी पे छोड़ दिया सब। अगर आप डेस्टिनी में हैं तो इस पर्सन को कबूल है, ठीक है। फाइनेंशियल इशू, आपके पार्टनर को कोई फाइनेंशियल इशूज भी हैं इस वक्त, राइट नाउ ये पर्सन किसी फाइनेंशियल इशू से गुजर रहे हैं, ठीक है, ये किसी तरीके के पर्सन आपके फाइनेंशियल इशू से गुजर रहे हैं। यहाँ पे है इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, ये पर्सन अब डिस्कनेक्ट होना चाहता है। शायद ये दुनिया की बहुत ज़्यादा सुन रहा था, इर्द के लोगों की, मैनुपलेटिव, बहुत मैनुपलेटिव पर्सन रहा है, क्योंकि एक मैस्कुलाइन एनर्जी इस पर्सन ने आपको सही से मैनुपलेट करा है इस पूरी सिचुएशन में, आप
पूरी तरीके से इसके कंट्रोल में रहें, इसने आपको कंट्रोल में रखने के लिए सब कुछ करा है, मिक्स सिग्नल्स दिए, रिलेशनशिप नहीं दिया, बाकी तो आप बिल्कुल कंट्रोल में रहें इस पर्सन के मेंटली, और मतलब कि कब आपको डिस्टर्ब करना है इसको बहुत अच्छे से पता था, कब आपको मैनिपुलेट करना है इसको बहुत अच्छे से पता था, कब आप खुश होंगे ये जानता था। आप बहुत ज़्यादा एक इनोसेंट काइंड एनर्जी रहे हैं, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव रहा है, ठीक है, लेकिन आपको एक पेशेंस नहीं था, आपको को डिपेंडेंसी इशू हो सकता है, आप इस पर्सन के ऊपर इमोशनली डिपेंड हो चुके थे, आपको इसी से खुशी मिलनी थी इमोशनली, और कुछ समझ नहीं आ रहा था और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जब मैं आप में बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी थी, आप में बहुत ज़्यादा एबिलिटी थी, आप इंडिपेंडेंट अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आप इसके ऊपर डिपेंड हुए थे, कुछ कर्मा था आपका इस पर्सन के साथ जो बैलेंस हुआ है, ठीक है, कुछ कार्मा कार्मिक सिचुएशन बैलेंस हुई, लेकिन आप होप लूज कर चुके हैं, ठीक है, जिनको पता होगा ये इस रिश्ते में क्या हो सकता है, आपको ऐसा लगता है आप कुछ भी नहीं हो सकता, आप अक्सर सोचते हैं लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये जैसे कंटिन्यूसली या तो ये आपको मना करता है या अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, या आपको पता है यहाँ पे नहीं हो सकती किसी भी एक्स वाई जी के तरीके से, आपको पता है ये पर्सन नहीं करेगा आपसे, मतलब कि जो भी है इसका हार्ट चक्रा ब्लॉक रहा है, आपने बार बार कुछ ऑफर करा लेकिन ये एक इमोशनली आपके साथ डिस्कनेक्ट ही रहा है, इमोशनली आप लोग का बॉन्ड नहीं बन सका, लेकिन एक स्पिरिचुअल कनेक्शन रहा है, ठीक है, इसने कभी भी कुछ इमोशनली आपकी तरफ से एक्सेप्ट नहीं करा है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।